हरियाणा का जनादेश सामने आया और इस हरियाणा के जनादेश में मौजूदा सरकार के 8 मंत्रियों के हारने से जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के उन मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं 8 मंत्रियों का हारना एक बड़ी राजनीतिक हलचल के तौर पर माना जा रहा है। मनोहर सरकार के 8 मंत्री हारे हैं, सिर्फ 2 ही मंत्री जीत पाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 10 मंत्री चुनावी मैदान में थे, उस कैबिनेट के 8 मंत्री हार गए, सिर्फ 2 ही मंत्री जीत पाए। महेंद्रगढ़ से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हारे, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु भी हार गए, तो वहीं बादली से कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी चुनाव हार गए। सोनीपत से महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन भी हारी। सराना से परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार को भी हार का सामना करना पड़ा। शाहबाद से समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी भी हारे, तो वहीं रोहतक से शहरी निकाय मंत्री मनीष ग्रोवर को भी हार का सामना करना पड़ा। खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज को भी हार का सामना करना पड़ा। अंबाला कैंट से अनिल विज ने जीत दर्ज की है, तो वहीं बावल से जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी चुनाव जीत गए। यानी कि कुल 8 मंत्री हारे हैं और वहीं 2 मंत्रियों को जीत भी हासिल हुई है। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, 8 मंत्रियों का हारना और सिर्फ 2 मंत्रियों को जीत मिल पाई, सरकार में उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े करने वाली स्थिति? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरीके से आप नतीजे देख रहे हैं, पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो 90 सीटों के नतीजे आए हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि 90 में से सिर्फ 40 बीजेपी जीत पाई है। मतलब ये है कि 5 साल के शासन के बाद जो माना जा रहा था कि 75+ का आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है, और मतलब बहुमत का आंकड़ा भी वो नहीं पा पाई, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री हारे हैं, अगर प्रदेश के जो है ज़्यादातर मंत्री जो है बीजेपी के हार जाएं, तो वो पार्टी के लिए सबसे जो बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई, उसके लिए सबसे अहम जो है जिम्मेदार इन मंत्रियों को कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री के पास एक ओहदा भी होता है और उनके पास एक मंत्रालय भी होता है, और फिर भी वो इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी विधानसभा जीतने में नाकाम मयाब हुए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कह सकते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा पाना था, अगर मंत्रियों की हार हुई तो उसके लिए एक बड़ी वजह ये हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर सरकार में, और उसमें से 10 मंत्री चुनावी मैदान में थे और सिर्फ 2 मंत्रियों का पहले ही टिकट कट गया था, तो जो 10 मंत्री चुनावी मैदान में थे उसमें से 7 मंत्री चुनाव हार गए। अगर बात करें सबसे पार्टी में कद्दावर नेता और जो सबसे वरिष्ठ मंत्री थे रामविलास शर्मा, वो भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, वो भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, वो भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। सोनीपत से महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन भी अपना चुनाव हार गई। इसराना से परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार भी अपना चुनाव हार गए, और शाहबाद से समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी भी चुनाव हार गए। रोहतक से शहरी निकाय मंत्री मनीष ग्रोवर भी अपना चुनाव हार गए। मनीष ग्रोवर पिछली बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक से जीते थे, रोहतक जिले की अकेली बीजेपी की सीट थी, लेकिन इस बार मनीष ग्रोवर अपना चुनाव हार गए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से रादौर से कर्णदेव कंबोज अपना चुनाव हार गए, आपने देखा होगा कि श्याम सिंह राणा की टिकट काट कर कर्णदेव कंबोज को रादौर से टिकट दिया गया था, और उनकी सीट से किसी अन्य को उतारा गया था, राम कुमार कश्यप को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो मंत्री थे, चाहे कैबिनेट मंत्री थे या राज्य मंत्री, अगर उनमें से सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री अनिल विज जीते और एक राज्य मंत्री बनवारी लाल जीते, तो कह सकते हैं कि जितने भी कैबिनेट और राज्य मंत्री थे उनका हारना और बीजेपी को बहुमत से आंकड़े से दूर ले जाने वाली बात है। बिल्कुल सुजीत जी, क्या इसको सिर्फ एक मंत्री जो 8 मंत्री हारे हैं, 8 मंत्रियों की हार के तौर पर देखा जाए, या अपने अपने क्षेत्र में एक विधायक के तौर पर भी ये तमाम मंत्री थे, क्या एक विधायक की हार के तौर पर देखा जाए? क्योंकि जिस तरह से बहुमत के आंकड़े से दूर रही है भारतीय जनता पार्टी इन मंत्रियों की हार के बाद, अब सवाल ये है कि विधायक के तौर पर भी क्या अपने क्षेत्रों में ये लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए जिस वजह से जनता ने ये जनादेश दिया?
बिल्कुल, सबसे कोई भी मंत्री होता है तो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है उस विधानसभा क्षेत्र की जनता को उससे बहुत उम्मीदें होती हैं और उसको लगता है कि जो है उसके इलाके में अब ज़्यादा काम हो सकेगा क्योंकि उसके इलाके के जो MLA हैं वो मंत्री हैं, लेकिन शायद उनका व्यवहार, उनका काम या उनके कामकाज का तरीका जो था वो जो है उनके विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को पसंद नहीं आया और यही वजह है कि उनको हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और इस पे जिस तरह से आपने जिक्र किया स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, और वो जीत भी हासिल कर पाए, क्या अनिल विज की जो कार्यशैली थी, जिस तरह से उनका जनसंपर्क था और लोगों के बीच वो जिस तरह से आसानी से उपलब्ध हो पाते थे, मुहैया रहते थे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, तो ऐसे में क्या उनका जो व्यवहार था वो खासतौर पर प्रभावित कर पाया लोगों को, तभी ये एक बड़ी जीत भी उन्हें मिल पाई? कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अनिल विज जब पिछली बार विधायक बने थे तो उस समय उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी और वो विपक्ष के विधायक होते थे, ऐसे समय में भी अनिल विज, सुबह आपने देखा होगा कि अक्सर उनकी तस्वीरें वीडियो आते हैं कि वो अम्बाला में एक चाय की दुकान पर सुबह सुबह चाय पीते हैं, आम सामान्य चाय की दुकान पर, तो मंत्री बनने के बाद भी उनको आप उसी दुकान पे चाय पीते लोगों के बीच में वो पाए गए, और अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को जो अपनी समस्या या कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है तो वो सुबह सुबह चाय के दुकान पर भी उनका इंतज़ार करते थे कि वहाँ तो आएंगे ही, वहाँ उनसे मुलाकात होती। तो इस तरह से और भी आपने देखा होगा कि अनिल विज जो है वो चंडीगढ़ में नहीं रहते थे, हालांकि वो अब कामकाज के लिए चंडीगढ़ जाते थे और उसके बाद वो फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस आ जाते थे, तो कहीं ना कहीं जो उनका अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ाव रहा वो उसकी वजह से वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। और हालांकि उनके मंत्रालय का कामकाज भी आपने देखा होगा कि हरदम जो है 5 साल जब से सरकार बनी थी और चुनाव होने तक हर सदैव चर्चा में रहा उनकी गतिविधियों की वजह से, तो लोकप्रिय मंत्री के तौर पर और लोकप्रिय जो है MLA के तौर पर उनको जाना गया, यही वजह है कि वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए। आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर के अलावा सिर्फ 2 मंत्री जो है अपनी सीट बचा पाए हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो जनता के बीच में या अपने मतदाताओं के बीच संपर्क में थे उन्हीं को जो है जनता ने दोबारा मौका दिया है। बिल्कुल सुजीत जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच जिस तरह से अब ये जो नतीजे हैं सामने हैं और इसको लेकर अब स्थिति ये है कि सरकार दरअसल अब बने तो बने कैसे, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा अगर सामने है और बहुमत किसी के पास नहीं तो आखिर जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो किस तरह से होगी, आखिर किन लोगों का समर्थन जुटा पाने में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है, दरअसल अब ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जनादेश सामने आया है वो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि 40 सीटें जीतने के बाद एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने है, लेकिन कांग्रेस भी अभी कोशिश में है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार अब दिल्ली पहुंचकर कोशिश करेंगे और तमाम चीजें सामने रखकर हर जोड़ तोड़ की स्थिति को देखने की स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश करेंगी। दरअसल अब दर्शकों को हम पहला समीकरण समझाने की जरा कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या बन सकती है अगर बीजेपी के 40 विधायकों के साथ अदर्श के साथ अन्य जो निर्दलीय हैं वो 7 विधायक आ जाते हैं तो 47 का आंकड़ा ये पा लिया जाएगा, और जबकि 46 बहुमत के लिए आवश्यक है, और इस तरह से बहुत आसानी के साथ बिना जननायक जनता पार्टी के समर्थन लिए हुए भी सरकार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की, तो यह पहला समीकरण। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है अगर जननायक जनता पार्टी साथ पे आती है तो बीजेपी प्लस जननायक जनता पार्टी ये 50 का आंकड़ा बेहद आसानी से छू लेंगे और बहुमत का आंकड़ा 46 है, लिहाजा बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी ये 2 स्थिति जो सामने है, जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहद आसानी से बन सकती है। अब तीसरा समीकरण अगर हम समझें कि कांग्रेस कैसे सरकार बना सकती है, कांग्रेस के 31, जननायक जनता पार्टी के 10 और निर्दलीय 7 मिल जाएं तो ये कुल मिलाकर 48 का आंकड़ा बैठता है, यानी 46 का बहुमत का आंकड़ा है, उससे 2 ज्यादा विधायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो कांग्रेस भी सरकार बनाने की स्थिति में
पहुंच जाएगी। लेकिन दो पहले जो समीकरण हैं वो बीजेपी के लिए बेहद आसान नजर आ रहे हैं और बीजेपी के लिए बेहद मुफीद भी नजर आ रहे हैं। तीसरा समीकरण जो हम दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन पहला समीकरण जिसमें 40 बीजेपी प्लस निर्दलीय साथ मिलाकर 47 का आंकड़ा, जो 46 के बहुमत के आंकड़े से एक अधिक होगा, तो वहीं 40 बीजेपी और 10 जननायक जनता पार्टी के विधायक मिल जाएं तो 50 का यह आंकड़ा पहुंचेगा। इसमें बहुमत का आंकड़ा 46 है तो 4 अधिक यहां पर विधायक हो जाएंगे बीजेपी के पास बहुमत से। लेकिन तीसरा आंकड़ा, जो तीसरा समीकरण है, वो क्या कुछ कह रहा है? 31 कांग्रेस, 10 जननायक जनता पार्टी और 7 निर्दलीय मिल जाएं तो 48 के आंकड़े तक सरकार बनाने की स्थिति पहुंचेगी और 46 बहुमत का आंकड़ा है। हमारे साथ हमारे इंटरव्यू एडिटर सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, ये तीनों जो समीकरण हैं, जो संभावित समीकरण हो सकते हैं राजनीति में, वो हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। इसमें जो दो पहले समीकरण हैं वो शायद बेहद आसान भी नजर आ रहे हैं और फिलहाल राजनीतिक जो स्थिति है उसमें बीजेपी के लिए ये एक पॉजिटिव स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी के लिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद ट्वीट करके कहा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा जो हरियाणा के प्रभारी हैं अनिल जैन, उन्होंने भी कहा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो ये सरकार बनाने का जो पहला समीकरण है वो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 7 निर्दलीय जो जीत कर आ रहे हैं इस चुनाव में, उन 7 निर्दलीयों के दम पर अगर उनका समर्थन बीजेपी को पूरी तरह से मिलता है तो फिर जो है बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है, क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके अनुसार बीजेपी 40 सीट खुद जीत रही है और 7 अगर निर्दलीयों का समर्थन उसको मिल जाएगा तो उसका आंकड़ा 47 हो जाएगा, और इस 47 के आंकड़े के साथ वो अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि बहुमत के लिए सिर्फ 46 विधायकों की ज़रूरत है और 46 से एक ज़्यादा विधायक हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पहला समीकरण है ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा सूट करने वाला समीकरण है। दूसरा समीकरण जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर 40 बीजेपी के एमएलए जीते हैं और इसके अलावा जननायक जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला से जब मीडिया ने सवाल किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी उनकी किसी से बात नहीं चल रही है, और कल दोपहर दो बजे दिल्ली में उनकी विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बात के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा कि उनका रुख क्या होगा, वो किसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, सरकार में शामिल होंगे नहीं शामिल होंगे, ये कल की बैठक के बाद तय होगा। तो अब कह सकते हैं कि फिर भी अगर एक अनुमान के आधार पर मान लिया जाए कि बीजेपी के साथ अगर जननायक जनता पार्टी जुड़ती है तो बीजेपी को 40 के बाद 40 उसके अपने विधायक, 10 जननायक जनता पार्टी के विधायक, उनका आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है, और ऐसे में अगर 50 विधायकों की संख्या हो जाती है तो फिर निर्दलीयों की ज़रूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी। और तीसरा समीकरण जो है, तीसरे समीकरण को आप देख सकते हैं, अगर यही स्थिति कांग्रेस के साथ होती है, अगर कांग्रेस के 31 विधायक जीत रहे हैं और उसमें 7 निर्दलीय जाते हैं तो कांग्रेस की संख्या 38 विधायकों की बनती है, लेकिन उन 38 विधायकों से सरकार बनने की स्थिति नहीं बन पाती है, तो ऐसे में उसको जननायक जनता पार्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर 10 MLA जननायक जनता पार्टी के उसके साथ जुड़ते हैं तब जाकर 48 की संख्या होती है और 46 पर सरकार बनती है, 2 विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी। इस तरह से अगर देखेंगे तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो अपने विधायकों की संख्या है वो 31 है, और फिर उसको जननायक जनता पार्टी भी अगर सपोर्ट कर देती है तो 31-10-41 ही होंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जरूरी होगा कि
अन्य विधायकों या निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उसे मिले और जननायक जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन मिले, तभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएगी। नहीं तो बीजेपी के लिए ज़्यादा आसान दिख रहा है, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या कांग्रेस के विधायकों की संख्या से 9 ज़्यादा है। इसलिए उसको अगर चाहे जेजेपी समर्थन दे दे या फिर निर्दलीय समर्थन दे दें, उतने में ही उसकी संख्या पूरी हो जाती है, बहुमत के आंकड़े को वो पा जाएगी। तो इसलिए अब देखना होगा कि जिस तरीके से निर्दलीयों की ओर से आ रहा है कि वो समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अभी जननायक जनता पार्टी का पक्ष देखना होगा कि कल की मीटिंग में वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी की सरकार निर्दलीयों के साथ भी आसानी से बनती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शायद बीजेपी के लिए एक आसान बात यह भी रहेगी कि जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी के ही बागी हैं, ऐसे में संपर्क करना भी आसान होगा, उन्हें समझाना भी आसान होगा बीजेपी के लिए। देखिए बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ निर्दलीय शामिल होते हैं तो कम से कम निर्दलीयों के साथ ये भी होगा कि उनको मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री बनाए या राज्य मंत्री बनाए, उतना तो उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और जब तक सरकार में या कोई महत्वपूर्ण उनको उम्मीद नहीं दी जाएगी या ख्वाब नहीं दिखाया जाएगा, तो उसके बिना लगता नहीं कि जो है कोई निर्दलीय समर्थन देगा। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग का दौर चल रहा है और तमाम गतिविधियां चल रही हैं राजनीतिक तौर पर, उससे लगता है कि बीजेपी निर्दलीयों के साथ जाने में ज़्यादा इच्छा दिखाएगी। बिल्कुल, और निर्दलियों के साथ जाने में सुजीत जी एक शायद फायदा ये भी रहेगा कि जिस तरह से जननायक जनता पार्टी अगर सपोर्ट करती है बीजेपी को, तमाम शर्तें भी माननी पड़ेंगी और शायद सरकार में एक बड़ी भागीदारी भी जननायक जनता पार्टी मांगेगी। लेकिन निर्दलीय अगर साथ में आते हैं, पुराने ही उनके वो तमाम सहयोगी हैं, ऐसे में उन्हें मनाना भी आसान होगा और शायद सरकार में उतनी बड़ी भागीदारी भी वो लोग नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, कह सकते हैं कि अगर निर्दलीयों का समर्थन लेती है तो उनके लिए उनको हैंडल करना आसान होगा, क्योंकि उनका व्यक्तिगत एक निर्दलीय की अपनी इच्छाएं होंगी, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, वो उनके साथ जुड़ा होगा। लेकिन जब कोई पार्टी जुड़ेगी तो पार्टी का एक अपना, आपने देखा ही होगा कि मैनिफेस्टो जारी हुआ है, अगर पार्टी समर्थन देगी दूसरे दल को तो वो चाहेगी भी कि उसके जो मैनिफेस्टो के जो उसने जनता से वायदे किए हैं उन वायदों पर भी जो है उनको काम करना पड़ेगा। और एक अभी जैसे बीजेपी का अलग घोषणा पत्र था, जेजेपी का अलग घोषणा पत्र था, अगर जेजेपी समर्थन करने की बात करती है तो ऐसे समय में दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और कॉमन एजेंडे के तहत सरकार चलानी पड़ेगी। और एक पार्टी को जब सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी तो उससे जो है फिर बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा सरकार चलाना। कोई भी फैसला लेने से पहले उस पार्टी से उनको रजामंदी, उनको इजाज़त या राय मशविरा या आपसी सहमति बनाने के बाद ही फैसले हो पाएंगे। लेकिन निर्दलीयों का समर्थन से अगर सरकार बनती है तो उनको इतनी बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इन तमाम निर्दलीय जो बीजेपी के ही पुराने सहयोगी रहे उन्हें एक बार फिर पार्टी ज्वाइन करवा ली जाए, ताकि जो तमाम दल बदल के जो कानून रहते हैं उनसे भी छुटकारा एक तरह से मिल जाएगा और वो बीजेपी का हिस्सा बन के सरकार को और मजबूती दे पाएंगे। देखिए निर्दलीयों के लिए कोई ऐसा वो नहीं है दल बदल का मामला, और इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर दल बदल का मामला नहीं है उनके पास तो अब जो है वो चाहे बीजेपी को बाहर से समर्थन दें या बीजेपी का हिस्सा बन जाए तो उसके लिए उनके लिए आसान होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और राजनीतिक हलकों में अब हलचल भी तेज हो गई है, सुजीत जी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम दर्शकों को सुनवाने जा रहे हैं तमाम निर्दलीय विधायकों की बाइट, जो अब कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की बने इसकी कोशिश में भी लग गए। जनता के अंदर रोष था, जनता ने आज वो आप लोगों के बीच में वो संगठन का फैसला था, उन्होंने उचित समझा, उन्होंने कर दिया, जनता ने रोष पैदा हुआ, जनता ने इलेक्शन लड़ा दिया, हम लड़ लिया इलेक्शन। और दादरी जनता ने मेरे से बड़ा भरोसा है और यहाँ बहुत काम पेंडिंग है, दादरी में कोई विकास हुआ नहीं,
मैं 100% लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा और जो जो समस्याएं हैं उनका 100% निदान करूंगा। वो जनता ने फैसला करेगी, जनता कहेगी तो जाएंगे, न जनता कहेगी तो। मेरा जब इलेक्शन जनता ने लड़ाया, इलेक्शन जनता ने लड़ा, बनाया जनता ने, तो जनता ही फैसला करेगी कहाँ क्या करना है। अनुभव तो जनता का है जिन्होंने मेरे को टिकट दिया। मैं पूरे इलेक्शन में एक अभी जनता ने टिकट दिया, जनता का ही इसके विजयी के पात्र है। और तो आपकी प्रायोरिटी की क्या रहेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता ये भी मैंने कहा था भाई, हम जनता के बीच में बैठकर हर गांव का, हर शहर का, उनसे जो उनकी कमियां रह गई हैं काम की, वो हम अभी आगे के लिए पूरी करेंगे। वो जो कहेंगे उनको पूरी करेंगे। रणनीति क्या है, बीजेपी की तरफ है कि कांग्रेस की तरफ है? ये कोई मेरे को किसी ने वो नहीं सपोर्ट करी। ये सारा कुछ जो जनता है, हमारे साथी हैं पूरे हल्के की, वो ही इसकी रणनीति। आपके ऊपर दबाव आ रहा है दोनों तरफ से? मैं किसी दबाव को इस करके नहीं मानता, मेरे किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं करा। ये जनता के, यार जनता के सामने कोई पार्टी टिक ही नहीं सकती। अपनी जिम्मेवारी का एहसास है मेरे फरीदाबाद की जनता ने, मेरे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का मुझे फल मिला है। मेरी पार्टी के नेता चौधरी कृष्णपाल जी गुजर, हमारे माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सबके मार्गदर्शन से मुझे जो आदेश मिला था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद की जो इच्छाएं हैं एक विधायक से, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी इच्छाओं पर मैं खरा उतरूं। सिरसा की सेवा करने का जो मौका मिला है बखूबी निभाएंगे उसका। तो आगे अब क्या रहेगा, क्या भाजपा का साथ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी मैंडेट नहीं मिल रहा किसी पार्टी? मेरे को साथ बात करनी पता किसका रहेगा, मेरा एक ही ध्येय है कि सिरसा की सेवा, सिरसा की चौधर, वो सिरसा वालों ने दी है, मेरा काम है कि उसको बखूबी निभाऊं। क्या अभी संपर्क में है कोई आपसे? जीत जीत है, आशीर्वाद आशीर्वाद ही होता है। तो कोई बड़े नेताओं ने किसी